दोस्तों 2023 में रिलीज की गई कुछ ऐसी खतरनाक थ्रिलर मूवीज जिन्हें थ्रिलर मूवीज नहीं बल्कि थ्रिलर का बाप भी कह सकते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक हिंदी थ्रिलर मूवीज के बारे में जिन्हें आप Amazon Prime Video पर भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से बहुत सारी ऐसी भी मूवीज हैं जो कि फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, और इन मूवीज को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। और इन सभी मूवीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नंबर 10, कुदुक्कु 2025। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उतनी ही हमारे पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट कर रही है, और यही टेक्नोलॉजी किस हद तक जाती है इवन कितने लोगों को नुकसान पहुंचाती है, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 9, कॉलिंग सरसरा। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि पहले लड़कियों को किडनैप करता है और बाद में उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन असल में लास्ट तक ये सीरियल किलर किस तरह पकड़ा जाता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 8, एंटोनी। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि एक रिजॉर्ट में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उस रिजॉर्ट में जाते ही उनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक गैंगस्टर जो कि उन्हें किसी भी तरह से मार देना चाहता है, और लास्ट तक उस रिजॉर्ट से कौन कौन सर्वाइव करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 7, उदाल। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे कपल से जो कि अपने नए घर में आकर रुकती है, लेकिन नए घर में आते ही उनका सामना कुछ खतरनाक एक्टिविटीज से होता है, और उन एक्टिविटीज को वो किस तरह हैंडल करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 6, 192021। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि जर्नलिज्म पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक आदिवासी स्टूडेंट जो कि जर्नलिज्म पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है, लेकिन कॉलेज में जाते ही उसका सामना सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से होता है, और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे बहुत जल्द Amazon Prime Video पर रिलीज कर दी जाएगी, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.2। नंबर 5, द ट्रायल। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी अचानक से ही हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके हत्या में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मूवी में देखने लायक यह है कि लास्ट तक पत्नी अपने पति को सच में मार चुकी होती है या फिर ये सारा का सारा उसी का ही कोई ट्रैप है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 4, तमिलासुरन। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो कि अपने बेटे की अचानक से ही हालत खराब हो जाने की वजह से हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन उसके सीनियर का वो कुछ ऑर्डर भी नहीं मानता है, लेकिन वो सीनियर उसके लिए कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें फिर से खड़ी करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Zee5 पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3, चावीर। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत बड़ी ही अनोखे तरीके से की गई है क्योंकि इस मूवी में आप जिसे पहले देखने वाले हैं वो आपको एक्चुअल में क्रिमिनल लगने वाला है, और वो पुलिस की नजरों से अपने आप को किसी भी तरह से छुपाकर रखना चाहता है, लेकिन असल में वो इस काम को क्यों अंजाम दे रहा होता है, इवन लास्ट तक वो कसूरवार होता है या फिर बेकसूर, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 2, टोबी। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को चाहे मार भी सकता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है, और असल में ये परिवर्तन क्या है ये जानने के लिए इस मूवी को आप जरूर देखें। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7।
नंबर वन मंगलवारम। मूवी पेस्ट है थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर किसी भी दीवार पर अगर किसी भी इंसान का नाम लिख दिया जाए तो उसकी मौत अगले ही मंगलवार हो जाती है। मूवी में इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि असल में लोगों की मौत मंगलवार को ही क्यों हो रही होती है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं। डिज्नी हॉटस्टार पर IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। तो दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।